देखिए अभी हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं, हरिपाड़ा पुलिस स्टेशन भाईकल्ला में है। आपको पता है मुंबई एक आर्थिक राजधानी है देश की। मुंबई जैसे शहर के अंदर इस तरह की घटना होना ताज्जुब की बात भी है, अफसोसनाक भी और हैरान करने वाली बात है कि भाईकल्ला के जैसे एरिया के अंदर कल रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब कुछ मुसलमान लड़के आ रहे थे बाइक पे, उनको रोकते हैं कुछ लड़के शराब के नशे में थे पुलिस लड़के, तो रोका जाता है दाढ़ी टोपी देखकर कुर्ता ऐजान देखकर उनको रुका के बोला जाता है जय श्री राम के नारे लगाओ बोलो। जब वो नहीं बोलते उनको मारने की कोशिश मारा जाता है, उनके हाथ में जो मोबाइल है वो छीनने की कोशिश की जाती है। जब उन लड़कों की एक 15 साल की बच्ची बहन बचाने को जाती है तो उसके भी साथ बदतमीजी की जाती है, झगड़ा किया जाता है वहाँ पर। तो किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हैं ये लोग और इस तरह के नारे लगाने का क्यों जबरन किया जाता है? अब हमको रात को फोन आया, पता चला MIMP टीम में मौजूद थी, सब स्थानीय लोग वहाँ पर गए, जिसको मार लगी थी उसको उपचार के लिए ले गए, मुंबई पुलिस वहाँ पर पहुँची, DCP साहब पठान साहब वगैरह सब पहुँच कर FIR रजिस्टर हुआ है, तीनों को अरेस्ट किया गया है, FIR रजिस्टर किया है मुंबई पुलिस ने अंडर सेक्शन 392, 354, 341, 323, 504, 34 IPC और पॉक्सको एक्ट भी लगाया है, क्योंकि वो जो बच्ची थी 15 बरस की उसके साथ बहुत बदतमीजी की गई। मैं पूछना चाहता हूँ, चलो मुंबई पुलिस बोलते शराब के नशे में थे वाली बारे, शराब पीकर आप कौन सी आस्था दिखाना चाहते हो प्रभु राम के प्रति? क्या ऐसा चलता है किसी भी धार्मिक इंसान को पूछ लो आप, शराब के नशे में आप अपने आस्था की बुनियाद पे प्रभु राम का नाम आप खराब करना चाह रहे हो और इस तरह का एक्शन लेना? देखिए हम सभी अभी से नहीं पहले से हम बोलते आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र में जानबूझकर वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है, बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है हिंदू महासभाओं के नाम पर, यहाँ पर सभाएं की जा रही है जहाँ पर डायरेक्ट कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम दिया जा रहा है, हर दिन FIR होते हैं मगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। अभी मेरा रोड पर देखिए क्या बोल दिया BJP के नेताओं ने, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो सबको खत्म कर देंगे। BJP के नेता बोले चुन चुन के मारेंगे, सरकार से गौर लगाते हैं इनको अरेस्ट करो, पर सरकार अरेस्ट नहीं कर रही है, ये बेलगाम घोड़ों की तरह घूम रहे हैं। तो इस तरह की वारदात को अंजाम इस वजह से होता है, रीजन बिहाइंड ये है कि इस तरह के जब भाषण दोगे नफरत फैलाओगे तो आपके जो लोग हैं वो तो करेंगे ना इस तरह का। अगर महाराष्ट्र के अंदर वातावरण खराब होता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, तो हम तो भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को इसका जवाबदार ठहराएंगे, क्योंकि कोई स्टेप नहीं ले रहे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। तो अग्रिपाड़ा में हम आए हैं सब लोग आपके साथ में, हम चाहते हैं आपके माध्यम से एक मैसेज दें कि अभी शांति बनी हुई है, वो लड़कों का रिमांड लिया गया है, हमने पुलिस से मांग की है कि इनको बेल नहीं होना चाहिए, सब नॉन बेलेबल ऑफेंस भी लगाए गए हैं इनके ऊपर, प्लस फास्ट ट्रैक में इनका केस चले, जल्द से जल्द इनको सजाओ, ताकि एक मैसेज जाए कि आइंदा से कोई इस तरह की हरकत करने की जरूरत ना करे। पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है, मैं धन्यवाद करूंगा पुलिस फोर्स का मुंबई का कि उन्होंने हमको इस समय काफ़ी समर्थन दिया। यहाँ पर अभी जो लोगों को चोट लगी है वो उपचार करा के एक जगह हॉस्पिटल के अंदर बाहर है, बाकी दूसरा खाली थोड़ा उसको लगा हुआ है, इसके लिए 307 नहीं लगाया, मगर यहाँ रॉबरी लगाई है, पॉक्सको का कानून लगाया हुआ है, यहाँ पर मोबाइल छीनने की कोशिश किया उन लोगों ने, मोबाइल छीनने की कोशिश किया, बोले जोर जोर से JSR के नारे लगाओ, नहीं लगाया उन लोगों ने तो मार धाड़ किया। किस तरह की अभी हमने आपके सामने बात किया, पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जुडिशियल रिमांड अभी लेके गए, हर कलम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कलम लगाई जाएगी उसके ऊपर कि हमारे राज्य में इस तरह की जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है उसको हर बीच से रोकना है। ये मुंबई पुलिस का भी हमारा भी, रात को हमारी बात हुई पुलिस ने कहा कि हम FIR ले रहे हैं, अभी आज आप आए, पुलिस का भी हमने शुक्रिया किया और हमने कहा कि आप अरेस्ट किया है मगर उनका केस फास्ट ट्रैक पर हमें चलाकर जल्दी से जल्दी सजा दीजिए ताकि आइंदा से इस तरह की घटना ना हो, और जो ऐसे रेडिकलाइज एलिमेंट जहाँ पे घूम रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस को पहुँच रखना चाहिए, उनको क्या पूरे महाराष्ट्र में शोलापुर वगैरह हर जगह बाहर से ही BJP RSS के लोग आ रहे हैं, हिंदू महासभा के नाम पर हेट स्पीच दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हर दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, 5 मिनट के लिए हटा तो सबको खत्म कर देंगे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चुन चुन कर मारेंगे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। मीरा रोड हो गया, अब यह हो गया, तो जो हेट स्पीच दे रहा है उसके खिलाफ BJP की सरकार स्टेप्स क्यों नहीं लेती, क्यों अरेस्ट करके उनको कानून पीछे नहीं डाला जा सलाह को? सोचो अगर इस तरह के अल्फाज कोई मुसलमान नेता बोलेगा, अगर वारिस पठान बोलेगा तो अब तक मुझे तो जेल में डाल देते, मगर इनके नेता आराम से बाहर घूम रहे और रोज स्पीचेस दे रहे हैं। उस कानून तो सबके लिए एक है ना, संविधान में तो इक्वालिटी दिखाना, क्यों इनके खिलाफ कायदा कानून सख्त नहीं होता? हमारी पुलिस से दरखास्त है, मांग है, पकड़िए
जो हेट स्पीच दे रहा है दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, वरना इस तमाम चीज का जिम्मेदार बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में उसकी। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के ऊपर सिंपल आदेश दिया हुआ है, गाइडलाइंस है, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, कॉल फॉर वायलेंस, तमाम चीज तो वो बोल रहे हैं, क्यों इनको फॉलो नहीं किया जाता? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस फॉलो करके क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता? हमारा यही बोलना है ना। देखिए पुलिस ने 3 जन को अरेस्ट किया है, 3 के नाम के साथ में FIR है, अभी उनको रिमांड के लिए ले गए हैं, उनको रिमांड लेंगे और नॉन अवेलेबल केसेस तो उनको जमानत इतना जल्दी नहीं। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।